जी को तो बताते हैं जो इस पे वोट गिराना है। हाँ, अंदर उनको जाने का परमिशन नहीं है लेकिन जाते हैं साथ में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी अधिकारी भी अंदर जाते हैं वोटर के साथ। वोटर के साथ? हाँ, आप गए थे? हाँ गए थे, हमसे पहले जो गया था उसके साथ बताने के लिए गए थे जो कहाँ वोट गिराना है। खुलेआम कर रहा है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, आगे करे अंदर नहीं है, उसके बाउंड्री के बाहर है सर हमारा। आप अपना काम कर लिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हम अपना ही काम कर रहे हैं। हम आपके एक भी वोटर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम अपना का वीडियो बना करके जाएंगे। नियम लगवा दिए हैं, नियम लगवा दिए हैं, वो सरकार है उनका, वो कुछ भी करवा सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता हम लोग उनको खिलाफ है, नित्यानंद राय जी को खिलाफ है, एकदम खिलाफ। 90% यहाँ वोट पड़ रहा है लालटेन का, लालटेन का। ठीक है, हाँ बना लीजिए। धारा 144 प्रेस के लिए नहीं है, आप बना लीजिए सर। चलिए, धारा 144 लागू है, वो प्रेस के लिए लागू नहीं होता है। तो देखिए बूथ पे मौजूद है, नहीं आप कर लीजिए, आप कर लीजिए सर, आप अपना काम करिए। हाँ तो देखिए, हम अभी उजियारपुर पे मौजूद हैं और उजियारपुर नित्यानंद राय जी का लोकसभा चुनाव बिल्कुल भेजिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है सर, हम आपके मोदी जी से भी नहीं डरते हैं, आप भेजिए। हाँ देखिए, चलिए वोट दिखाते हैं। आलोक कुमार मेहता का बनाया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? आलोक कुमार मेहता जो तो विधायक कोटा का ही है, विधायक कोटा। हाँ तो उसके बाद नहीं बना? नहीं, जहाँ भी देखिएगा आप हर जगह पे विधायक कोटा का है, सांसद कोटा का एक भी चीज नहीं आया मेरे क्षेत्र में, एक भी नहीं आया। वो तो ईद का चांद है, 5 साल में एक बार नजर देते हैं, वो भी 10 साल अब पुड़ गया, इस बार तो नजर भी नहीं आए, नहीं। उजियारपुर में एक बार तो देखना, चेहरा भी नहीं देख पाए अभी तक, देखे नहीं किए, कभी नहीं देखे नहीं किया चेहरा 10 साल में, 10 साल में चेहरा भी नहीं, एक बार भी कोई चेहरा नहीं, हम चमका दिए पूरा, कहीं नहीं चमका दिए हैं। उजियारपुर में कहीं उनका खाता भी नहीं खुलने वाला, इस बार खाता भी नहीं खुलने वाला। 5 लाख वोट से वो अपने हार जाएंगे, 5 लाख। हाँ वो हार जाएंगे। आके वीडियो बना रहे थे तो बाहर भी वही सीन क्रिएट हुआ, बाहर आके भी वो बीच में डिस्टर्ब करने लगे हमारे, हमें हमारा वीडियो बनाने से। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कौन सी तानाशाही चल रही है, जब आज चुनाव है तब ये इस प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं, तो आगे हमें नहीं पता कौन सी तानाशाही अभी होनी और देखनी बाकी है। तो उजियारपुर लोकसभा में मौजूद हैं और बूथ कैंपेन करने आए थे, बूथ पर लोगों से जानने आए थे इस बार चुनाव का रुझान किधर है, इस बार माहौल क्या है और इस बार मुद्दा क्या है, लोग इस बार किस मुद्दे पे चुनाव करेंगे। यहाँ आए, यहाँ पे जो सिक्योरिटी था उन्होंने हमें रोका, कहा कि परमिशन लेकर आइए। इससे पहले हम बेगूसराय के कई बूथों पर कवरेज किए, वहाँ हमें परमिशन का डिमांड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ स्पेशल नियम बनाया गया। कल यहाँ बैठक हुई थी और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, खासकर ये नित्यानंद राय जो मौजूदा सांसद हैं उजियारपुर लोकसभा के, उन्होंने स्पेशल नियम बनवाया है यहाँ के अधिकारियों पर, ऊपर से दबाव डलवा कर कि यहाँ पे प्रेस को अलाउड नहीं करना है। प्रेस यहाँ पे आएगा और यहाँ बातचीत करेगा, लोगों से सवाल करेगा तो शायद लोग जागरूक हो जाएंगे, तो नित्यानंद राय जी को प्रॉब्लम हो सकती है। अब सिंपल सी बात है कि डरता कौन है, जो चोर होता है वो डरता है, अच्छे लोग तो डरते नहीं है। हम बेगूसराय गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन जब हम उजियारपुर पहुंचे तो उजियारपुर लोकसभा के बूथ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रेस अलाउड नहीं है। हमारे आंखों के सामने कई ऐसे बूथ है जहाँ पे प्रेस अलाउड है और जहाँ पे प्रेस जाकर वहाँ के कवरेज खुलेआम कर रहा, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, आगे करे अंदर नहीं है, उसके बाउंड्री के बाहर है सर हमारा। आप अपना काम कर लिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हम अपना ही काम कर रहे हैं। हम आपके एक भी वोटर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम अपना का वीडियो बना करके जाएंगे यहाँ से। सर हम आपका बूथ का वीडियो नहीं, हम खुद का वीडियो बना रहे हैं ना, हम अपना खुद का वीडियो बना रहे हैं ना, आपका बूथ का वीडियो है इसमें, आप दिखाऊं मैं वीडियो आपको क्या? भीड़ हटाइए ना, आप लोगों को क्यों ड्यूटी पर रखा गया है? हाँ तो देखिए, ये यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं सर, हमारा काम है वो करना, तो हम आपको कुछ कह रहे हैं, हम बोल के बना रहे हैं ना, ये तो हम बना सकते हैं ना। तो देखिए ये सीन है उजियारपुर लोकसभा चुनाव, लोकसभा के वो बूथों का जहाँ पे स्पेशली फोर्स तैनात किए गए हैं प्रेस को नॉट अलाउड करने के लिए, यानी कि प्रेस वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ पे कवरेज नहीं करेंगे। प्रेस वहाँ पे जाकर लोगों से ये नहीं पूछ सकते हैं कि क्या इस बार लोगों का मुद्दा है, किस मुद्दे पर लोग वोट करने आए हैं। ये चौथा बूथ है, सुबह से हम 4 बूथों पे गए हैं, 3 बूथों पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उजियारपुर लोकसभा के बूथ पर स्पेशल सिक्योरिटी हायर किया गया है ताकि यहाँ पे क्या हुआ, अंदर में जब जाने ही नहीं दिया जा रहा है तो अंदर में क्या हो रहा होगा इस बात की क्या गारंटी है? अंदर में तो खैर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अंदर में क्या चल रहा है, बाहर में कुछ लोग हैं उनसे ही जानते हैं। वोट कर लिए चाचा,
वोट दे दिए? हाँ वोट दे दिए। क्या मुद्दा है वोट देने का इस बार, कौन मुद्दा पे वोट दिए? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा सोच के वोट दिए होंगे ना जी? हाँ। तो क्या सोच के वोट दिए? सोच दिए आगे का विकास अच्छा हो। विकास करेगा उसको अच्छा। वोट दिए। हाँ जी। क्या नाम हुआ भैया? संजीव कुमार राय। संजीव कुमार जी, किस मुद्दा पे वोट किए? विकास का मुद्दा पर वोट दिए। वोट किए। कैसा सुबह से वोटिंग कैसा चल रहा, लोगों का क्या है? वोटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम लोग लालटेन को वोट दे रहे हैं। लालटेन को वोट? जी जी। नित्यानंद राय जी? नित्यानंद राय जी एक भी ईंटा को काम नहीं किए पूरे उजियारपुर में, ना कभी आए। क्या बात कर रहे हैं? कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। वो यहाँ स्पेशल नियम लगवा दिए, नियम लगवा दिए। वो सरकार है उनका, वो कुछ भी करवा सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन जनता हम लोग उनको खिलाफ है, नित्यानंद राय जी को खिलाफ है, एकदम खिलाफ। 90% यहाँ वोट पड़ रहा है लालटेन का। लालटेन का? लालटेन का जी। अच्छा, तो नहीं बार नित्यानंद राय जी नहीं, एकदम हारेंगे। हारेंगे? हाँ, कहीं उनको पता नहीं रहेगा। क्या लग रहा है इस बार, क्या रुझान है? इस बार विकास का रुझान है। विकास कौन करेगा? नित्यानंद राय जी विकास नहीं किए हैं? वो तो क्या कहे, हमारे इलाके उजियारपुर में एक बार तो देखना, चेहरा भी नहीं देख पाए अभी तक। देखवे नहीं किए? कभी नहीं देखवे नहीं किए चेहरा ले। 10 साल में? 10 साल में चेहरा भी नहीं देखे। एक बार भी कोई चेहरा नहीं। हम चमका दिए पूरा, कहीं नहीं चमका दिए हैं उजियारपुर में। कहीं उनका खाता भी नहीं खुलने वाला इस बार। खाता भी नहीं खुलने वाला है? 5 लाख वोट से वो अपने हार जाएंगे। 5 लाख? हाँ, वो हार जाएंगे। टूट जाएगा रामविलास पासवान का? हाँ, इस बार रिकॉर्ड उसका टूटना है। क्या जी युवा का क्या रुझान है इस बार? युवा का भी एकदम महागठबंधन की तरफ है। क्या? सब महागठबंधन जी वहीं पे है। ले तो मतलब अन्य हर क्षेत्र में, अभी यहाँ पे पूरी तरह से घूम के देख लीजिए, यहाँ पे 80% जो आपको महागठबंधन नजर आएगा और 20% ही आएगा जो सब में आएगा। 80% महागठबंधन जी, पूरा एकदम जी। आप सर्वे करके देख लीजिए। सर्वे करके देख जी, इतना आपको यकीन? हम उनको 10 साल मौका दिए, उसके बाद भी कोई काम नहीं हमारे एरिया में, कुछ भी नहीं। अभी आप जिस सड़क पे हैं उसका भी चलिए वोट दिखाते हैं। आलोक कुमार मेहता का बनाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? आलोक कुमार मेहता जो, हाँ तो विधायक कोटा का ही है। विधायक कोटा का? हाँ, तो उसके बाद नहीं बना? नहीं, जहाँ भी देखिएगा आप हर जगह पे विधायक कोटा का है, सांसद कोटा का। एक भी चीज नहीं आया मेरे क्षेत्र में, एक भी नहीं आया। वो तो ईद का चांद है, 5 साल में एक बार नजर देते हैं, वो भी 10 साल अब पुड़ गया। इस बार तो नजर भी नहीं आए, नहीं आए। उनका हारा हुआ प्रत्याशी जो सील कुमार रहा है वो आए थे, उनको भी खदेड़ के भगा दिया गया। वो टीके कहाँ भगा दिए हैं। चलिए तो ठीक है, हाँ बना लीजिए। धारा 144 प्रेस के लिए नहीं है, आप बना लीजिए सर। चलिए, धारा 144 लागू है, वो प्रेस के लिए लागू नहीं होता है। तो देखिए बूथ पे मौजूद है, नहीं आप कर लीजिए, आप कर लीजिए सर, आप अपना काम करिए। हम अभी उजियारपुर पे मौजूद हैं और उजियारपुर नित्यानंद राय जी का लोकसभा चुनाव बिल्कुल भेजिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है सर। हम आपके मोदी जी से भी नहीं डरते हैं, आप भेजिए। हाँ देखिए, 144 धारा लगाओ, चाहे कोई प्रेस के लिए कोई धारा नहीं होता है अलाउड है। 144 में भी प्रेस कवरेज कर सकता है सर। हम भी पढ़े हैं संविधान और कानून, आप जाइए, हम भी संविधान और कानून पढ़े हैं। यहाँ माइक लेके उठ के नहीं आ गए हैं खाली, पब्लिक से बाइक लेने से। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए कि पहले तो हम गए बूथ पे कवरेज करने के लिए, तो वहाँ से कवरेज करने से रोका गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं जरा से बताइए, बताइए। नहीं पता है किसी को तो खुद बताते हैं जो इसपे वोट गिराना है। हाँ, अंदर उनको जाने का परमिशन नहीं है, लेकिन जाते हैं साथ में। इसलिए ऐसा किया जाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी अधिकारी भी अंदर जाते हैं वोटर के साथ। वोटर के साथ? हाँ। आप गए थे अंदर? हाँ गए थे, हमसे पहले जो गया था उसके साथ बताने के लिए गए थे जो कहाँ वोट गिराना है। अब किसको बताए वो नहीं, लेकिन गए थे अंदर। हाँ वाह, देखिए तो ये है सीन पूरा इस बूथ का। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ जो अधिकारी हैं वो वोटर को बता रहे हैं कि वोट कहाँ करना है। किसे बताए हमें नहीं पता, लेकिन वोटर के साथ जाकर वो बता रहे हैं कि वोट कहाँ करना है। हम पब्लिक ओपिनियन लेने का एक छोटा प्रयास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया उन लोगों को और वो पहुँच गए हमारा वीडियो बनाने। खैर कोई बात नहीं है, हमारा काम है वीडियो बनाना, हम वीडियो बनाने आए हैं और हम वीडियो बना के ही जाएंगे। अंदर गए, उन्होंने हमें वीडियो बनाने से मना कर दिया, कहा यहाँ स्पेशल नियम लागू है कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हम बाहर आके वीडियो बना रहे थे तो बाहर भी वही सीन क्रिएट हुआ, बाहर आके भी वो बीच में डिस्टर्ब करने लगे हमारे, हमें हमारा वीडियो बनाने से। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कौन सी तानाशाही चल रही है। जब आज चुनाव है तब ये इस प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं, तो आगे हमें नहीं पता कौन सी तानाशाही अभी होनी और देखनी बाकी है। तो ये तानाशाही है मौजूदा सरकार की और मौजूदा सांसद के क्षेत्र में, उजियारपुर में है। लाइव चालू कर दो बाबू एक फोन से,
कि कैसे देखो तानाशाही किया जा रहा है यहाँ पे, और बूथ था वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इन लोगों को कुछ ज्यादा आपत्ति है। नित्यानंद राय को लगता है शायद डर हो गया है कि हम हार रहे हैं तो कैसे कुछ कर, डर उड़ गए हैं क्या जी? क्या लगता है नित्यानंद जी? लग रहा है डर ही गए, डर गए हैं, इसीलिए इतना तानाशाही कर रहे हैं। हार का हदासा एकदम छा रहा है, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। चलिए उधर कुछ और युवा है बाइक से है क्या जी भैया? क्या रुझान है इस बार उजियारपुर का? ठीक है, ठीक है। कन्ने इंडिया की एनडीए? इंडियन रहेगा, इंडिया हाँ इंडिया। चलिए तो लग रहा है कि नित्यानंद राय जी डर रहे हैं कि हम क्या होगा पता नहीं, लोग लगातार कह रहे हैं हम आलोक मेहता के साथ हैं क्या जी? नित्यानंद राय जी डर उड़ गए हैं का? हाँ, डर हो या जो हो, आपको क्या लग रहा है? वोट गिरा दिए? वोट गिरा दिए। क्या मुद्दा था वोट गिराने का इस बार? सरकार बदलने की मुद्दा थी। सरकारें बदल दीजिएगा, बहुत बड़का बात बोल दिए, बदल जाएगा आप लोग से सरकार? चाहेंगे तो बदल जाएंगे, एकदम सही कहा आपने, चाहेंगे तो बदल जाएंगे। तो चलिए उजियारपुर लोकसभा में बूथ कैंपेन करने आए थे, बूथ को लेकर पूछने आए थे कि इस बार लोगों का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचे, बूथ के अंदर जाने का प्रयास किए, तो हमको वहाँ के प्रशासन के द्वारा रोका गया। उन्होंने ये कहा कि परमिशन नहीं है अंदर जाने का, जबकि इससे पहले हमने और अन्य और 300 और 301 उससे पहले हम बेगूसराय के 3 बूथों पे कवरेज किए, और इसी विधानसभा इस उजियारपुर लोकसभा के एक बूथ पे और किए, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं हुआ। हमें नहीं पता यहाँ क्यों एक स्पेशल नियम लगाया गया है, यहाँ के प्रशासन ने कहा हमें कि यहाँ पे कवरेज नहीं कर सकते हैं आप, मीडिया अलाउड नहीं है, 100 मीटर तक वीडियो फोटो नहीं खींचा जाएगा, ये कहा गया था हमें यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन के द्वारा कहे जाने के बाद हमें वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद जब हम ये बातें अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे थे, तो हमें 144 की धमकी दी जा रही थी। ये हमें नहीं पता कि ये जो पुलिस भर्ती लिए हैं, वो जितने भी सुरक्षा कर्मी वो भर्ती लिए हैं, वो पढ़ के भर्ती लिए हैं कि नोट दे के भर्ती लिए हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि प्रेस के लिए 144 धारा नहीं होता है। जब हम वहाँ पे बोल के अपनी बातें रख रहे थे, तो वहाँ से भी उन्होंने हमको भगाने का प्रयास किया। अभी हम लगभग वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आकर जब लोगों से पूछ रहे थे, रुझान जान रहे थे, तब भी उनको तकलीफ हो रहा। मतलब इसी से पता चलता है कि साफ यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है, जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा। हमने प्रयास किया यहाँ से दिखाने का, 5 मिनट में पूरे थाना वाना सब पहुँच गया है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सीन है उजियारपुर का, देख रहे, दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हम लाइव भी कर दिए थे ताकि आप देख सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हमने यहाँ के लोगों से पूछा और बातचीत की कि किस मुद्दे पर यहाँ से लोग जो हैं इस बार वोट करेंगे, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।